एनडीए में जब थे कुशवाहा, उस वक्त वो बिहार के शिक्षा मंत्री थे, लेकिन उन्होंने एनडीए का दामन छोड़कर महागठबंधन का दामन थाम लिया था, जिसके बाद लगातार वो बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे थे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव में। बीते 3 दिन पहले कुशवाहा पीएमसीएच में भर्ती हो गए, कारण राजभवन मार्च वो निकाल रहे थे, जिसके बाद पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की गई थी। भगदड़ में कुशवाहा को काफ़ी चोटें आई और सूत्र की माने तो कुशवाहा द्वारा कहा गया कि उन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, जिसके बाद पीएमसीएच में वो भर्ती हुए। गौरतलब है कि बीते दिन 3 फरवरी को हुई रैली में महागठबंधन का एक घटक दल कांग्रेस द्वारा रैली बुलाई गई थी। इस रैली में राहुल गांधी भी आए थे। अब अफवाह उठी कि राहुल गांधी पीएमसीएच जाएंगे, कुशवाहा से मुलाकात करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कारण बताया गया कि एसपीजी जो सिक्योरिटी में थी, उन्होंने किसी कारणवश राहुल गांधी को कुशवाहा से मिलने नहीं दिया गया। ऐसे में अब तेजस्वी यादव कटघरे में खड़ा हो रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ममता बनर्जी, जो कि बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उनके सपोर्ट में आ रहे हैं सीबीआई वर्सेस कलकत्ता पुलिस को लेकर। लेकिन अब तक वो मुलाकात नहीं किए कुशवाहा से, क्योंकि राजद कार्यालय भी पटना में है, पीएमसीएच भी पटना में है, और कुशवाहा जब से भर्ती हैं उनसे मुलाकात नहीं किए हैं तेजस्वी यादव। ऐसे में एक बात तो तय है कि जो स्थिति बनी हुई है बिहार चुनाव को लेकर, जिस परिस्थिति में इस वक्त कुशवाहा हैं, लगता यह है कि कुशवाहा को अच्छा नेता, बड़ा नेता, एक अच्छा चेहरा बिहार में नहीं बनने देना चाहता है महागठबंधन। आपको याद करा दे कि नीतीश कुमार से 36 का आंकड़ा चल रहा था कुशवाहा का, कहीं ना कहीं दिल में कयास लगा के रखे थे कुशवाहा कि उन्हें भी मुख्यमंत्री बनना है। अब पिछले कुछ महीनों में कुशवाहा की राजनीति भी मजबूत हुई है। ऐसे में कुशवाहा जब एडमिट हैं, भर्ती हैं पीएमसीएच में, तो उनसे जीतन राम मांझी के अलावा कोई भी महागठबंधन का बड़ा चेहरा, बड़ा नेता मुलाकात करने नहीं गया है। तो साफ तौर पर एक बात तो जाहिर हो रही है कि शायद महागठबंधन को रालोसपा की ज़रूरत नहीं है आगामी 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए। आप जुड़े रहिए भारत लाइव टीवी के इस यूट्यूब चैनल से, हम आपको पल पल अपडेट्स देते रहेंगे और जुड़े रखेंगे बिहार के साथ, भारत की राजनीति से। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।